रजनीश कुमार जी जुड़े हैं वाटेक वाबाग से बजट एक्सपेक्टेशंस और ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट पर बातचीत करने के लिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ईटी न्यूज़ स्वदेश पर स्वागत है आपका। मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो उम्मीदें अक्सर ही काफ़ी रहती हैं बजट से, इस बार ग्रोथ को लेकर काफ़ी उम्मीद बनी हुई है कि सरकार ग्रोथ को बढ़ावा देगी और ये जो रिकवरी हमने इकोनॉमी में देखी है उस पर फोकस रहेगा सरकार का। उस लिहाज से अगर हम देखें तो की अनाउंसमेंट्स आपकी इस बार क्या उम्मीद है बजट में हो सकती हैं? धन्यवाद बहुत बहुत एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। जैसे आपने बोला, वाटर और सैनिटेशन सेक्टर जो है इस टाइम पे प्रायोरिटी सेक्टर है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, जिसमें जल जीवन मिशन है, जिसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन टू है, अमृत है। तो ये सारे जो स्कीम्स हैं, ये दे आर ऑल इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, जो कि बोलता है कि 2030 तक वाटर एंड सैनिटेशन सबको प्रोवाइड करना है। तो इस दौरान ये करने के लिए जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि पहली चीज ये है कि ये सारा का सारा जो हम इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, और जो कि हमको वी वांट टू बी पार्ट, यू नो द लैंडिंग टू वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर शुड बी अ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो बाहर के फंड्स आ रहे हैं, क्लाइमेट फंड्स आ रहे हैं, ग्रीन फंड्स आ रहे हैं फॉर द सेक्टर, बट हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि सरकार इसको भी इंडिया में भी टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इसको कंसिडर करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर सैनिटेशन में, जैसे कि आपने देखा कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट ने लेआउट बना रखा है, तो एक वाटर और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप करना चाहिए जो कि इसको देखे, जो सरकार बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरी एक्सपेक्टेशन हमारी ये है टू फैसिलिटेट द सेक्टर, इसमें हमको जीएसटी रिलैक्सेशन देना चाहिए। बहुत बार हमारा जीएसटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जहां पर नहीं होता है क्रेडिट वहां लॉक्ड रहता है, आगे बिजनेस नहीं होता, प्रोजेक्ट बिजनेस है, इट कीप्स मूविंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो वो एक इशू है। पीछे सरकार ने जो हमारे बिड्स थी उनमें हमको एक वेवर दिया था फॉर बिडिंग करने के लिए ईएमडी या बैंक गारंटी के लिए। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि सरकार इसको आगे भी चलाए, तो जो भी विनर है उससे तो परफॉर्मेंस गारंटी वो देंगे एटलीस्ट फॉर बिडिंग, क्योंकि इतने बड़े प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉट ऑफ न्यू बिडर्स आर रिक्वायर्ड, सो दैट शुड बी कॉन्टिन्यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम बाहर की कंट्रीज में बहुत सारा बिजनेस करते हैं, तो वहां पर जहां पर बैंक्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस या दूसरी बैंक गारंटीज जहां नहीं है, वहां पर एक इंश्योरेंस बॉन्ड, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिए गए इंश्योरेंस बॉन्ड एक्सेप्टेबल है। तो हमारी ये भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इंडिया में भी सरकार इसको एक्सेप्ट करे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। करंटली हमारा 50% से ज्यादा बिजनेस जो है एक्सपोर्ट है, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि एक्सपोर्ट पे जो है इंसेंटिव्स हैं वो कंटिन्यू रहे, और अगर और इंसेंटिव्स एक्सपोर्ट्स पे दे सकते हैं वो इंडियन वाटर और सैनिटेशन इंडस्ट्री को हेल्प करेगी एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनाने के लिए। तो इन ऑल ये में हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम वीएटेक वबाग आल्सो एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव आल्सो। मिस्टर रजनीश, प्लेजर टू हैव यू। बिल्कुल, जिस तरह से आप बजट से एक्सपेक्टेशन बात कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा चाहते हैं। 60% ऑफ द रेवेन्यू आप चाहते हैं, आप एक ग्लोबल प्लेयर बने, विच इज़ गुड एम्बिशियस एम्बिशियस टारगेट्स। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिकली अपॉर्चुनिटीज कम है, जिसकी वजह से यू वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन ओवरसीज बिजनेस? हमने कभी भी ये नहीं बोला डोमेस्टिकली अपॉर्चुनिटीज कम है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया कि हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंट इंडिया में इतना बड़ा आउटले वाटर सेक्टर के लिए सरकार के तरफ से कभी नहीं रहा जितना आज है, तो डेफिनेटली इंडिया विल ग्रो।
बट एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट का ये एक पर्सपेक्टिव है कि हम जो भी इंडियन कंपनीज हैं जो ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहती हैं, तो हम तो पहले ही वी आर ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड, साउथ ईस्ट एशिया में हम हैं, मिडल ईस्ट में हम हैं, अफ्रीका में हम हैं, यूरोप में हम हैं, तो हम इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने दो नई ज्योग्राफी, एक रशिया जहां पर हमको कुछ महीने पहले एक 1230 करोड़ का ऑर्डर मिला जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से है, टेक्नोलॉजिकली वेरी चैलेंजिंग, एंड रिसेंटली हमको एक 750 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम यूएई, ये यूएई से भी हमारा पहला है, विच इज अ वेरी लार्ज 500 MLD 500 मिलियन लीटर पर डे से बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट है जहां पर हमारा ईपी का 750 करोड़ का ऑर्डर है। तो when we generate more export business, at the same time we are helping the economy of the country as well as our business. So us cheez ko dhyan mein rakhte hue hum isko expand karna chahte hain. Right, Rajneesh, agar aap hamare sath share kar sake apne viewers ke liye aur apne shareholders ke liye ki abhi aapki current order book kya hai aur jis hisab se इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आपने जो फैक्टर्स बताए, नेक्स्ट 8 से 10 महीने ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी क्या है, पाइपलाइन कैसी लग रही है आपको? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जैसे कि हम एक साइलेंट पीरियड में हैं, तो हमें कोई फर्म गाइडेंस या कोई नंबर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन करंटली जो हमारा ऑर्डर बुक है वो 10,000 करोड़ से ऊपर है। आपने देखा होगा ये पिछले 3 माह में भी था और इस बार भी ये 10,000 करोड़ प्लस में ही ऑर्डर बुक रहे, और ये हमको 3 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो एवरेज एग्जीक्यूशन पीरियड है वो 2.5 से 3 साल के करीब है फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस ऑर्डर्स। तो एक तो 3x की विजिबिलिटी है। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला कि बोथ एक्सपोर्ट्स पे और डोमेस्टिकली विद ह्यूज आउटले, हमारा एंडेवर यही रहेगा कि हम अपना जो ऑर्डर बुक है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए, ताकि अगले 3 साल की जो ग्रोथ है वो हम जो करंट ग्रोथ है उससे ज्यादा हम उसको अचीव कर पाए। तो मे बी एक बार हम जब साल के एंड में अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद अगर कोविड सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी तो दैट विल बी द टाइम कि हम एक फर्म गाइडेंस अपने शेयर होल्डर्स को और आपके दर्शकों को दे पाएंगे। राइट नहीं रजनीश, मैं आपसे सिर्फ एक ब्रॉड कलर पूछ रहा था जो आपने बखूबी शेयर किया, नॉट स्पेसिफिक गाइडेंस। थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप बहुत ही यूनिक कंपनी है इंडियन लिस्टेड स्पेस में, बहुत आपके जैसे पीयर्स नहीं है, तो क्यूरोसिटी लेवल भी काफी ज्यादा है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। इनफैक्ट